हेलो बच्चों, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूँ माय पाठशाला डिफेंस में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्जाम बहुत पास है, तो मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आपके सारे के सारे करंट अफेयर्स और सारे के सारे जीएस से जितने भी दिक्कतें आपको आती हैं उनको मैं क्लियर करता जाऊंगा। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है आपकी जो इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट्स है जो कि भारत ने अलग अलग देशों से लिए हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो है वो है आपका हेलेना। हेलेना जो है ये क्या है, ये इंडिया ने खुद डेवलप किया है और ये है क्या, ये एक एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। इसके बाद चिनूक। चिनूक जो है ये किस कंपनी से लिया गया है, ये एक अमेरिकन कंपनी है बोइंग, ठीक है, उससे लिया गया है। और ये चिनूक है क्या, ये चिनूक हेलीकॉप्टर है। इसके बाद आता है बराक 8। बराक 8 अगर पूछा जाए तो ये इजराइल से लिया गया है। इजराइल और डीआरडीओ का एक पूरा का पूरा समझौता है जो कि बनाएगा क्या, सरफेस टू एयर मिसाइल बनाएगा। तो याद रखिएगा बराक 8 क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसके बाद आपका आता है आईएनएस वेला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं है आईएनएस वेला की। और आईएनएस वेला किससे हम लोगों ने लिया है, वो है फ्रांस से। और ये क्या है, ये एक स्कॉर्पियन सबमरीन है। अलग अलग तरीके की सबमरीन्स होती हैं, उनमें से एक श्रेणी होती है, क्लास होती है, इसको बोलते हैं स्कॉर्पियन, ठीक है, स्कॉर्पियन सबमरीन। इसके बाद सभी लोगों को पता है राफेल हम लोगों ने कहां से लिया है, राफेल लिया है फ्रांस से। और फ्रांस में जो कंपनी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है डेसॉल्ट एविएशन, डेसॉल्ट एविएशन, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक फाइटर जहाज है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है S-400 आपके पेपर में आ भी चुका है और दोबारा आने की संभावनाएं हैं। ये क्या है, एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि हमने कहां से लिया है, जो कि हमने लिया है रशिया से, ठीक है। इसके बाद आता है पिनाका। पिनाका क्या है, पिनाका एक रॉकेट है जो कि इंडिया ने खुद बनाया है और इंडिजीनियसली बनाया है। इंडिजीनियसली का मतलब होता है कि स्वयं की टेक्निक से बनाया गया है, किसी और की इसमें हेल्प नहीं ली गई है। फिर आता है आपका आईएनएस कालवरी। आईएनएस कालवरी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये भी एक स्कॉर्पियन सबमरीन है, बट ये क्या है, ये इंडिजीनियसली बिल्ड है। हमने एक और पढ़ा था आईएनएस वेला जो कि हमने फ्रांस से ली थी, ये भी एक स्कॉर्पियन सबमरीन थी। पर इन दोनों में जो अंतर है, जो पेपर में आने की संभावनाएं है वो इसकी ज्यादा होंगी क्योंकि आईएनएस वेला फ्रांस से लिया गया है और आईएनएस कालवरी जो है वो इंडिजीनियसली बिल्ड है, याद रखिएगा। फिर आता है आपका अपाचे। अपाचे क्या है, ये एक अमेरिकन फाइटर हेलीकॉप्टर है, अमेरिकन फाइटर हेलीकॉप्टर है जो आप कह सकते हैं इंडिया ने लिया है, किससे, अमेरिका से लिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट, ये इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थे, डिफेंस इक्विपमेंट्स थे जो कि इंडिया ने अलग अलग देशों से लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।